भाई बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। उठो 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 उठो, गुड 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 गुड, चलो चलो चलो, गुड, वेरी गुड, चलो। तो ये जो व्यू है, अंदर का व्यू है, बिल्कुल इस गेट के इनसाइड जब हम लोग आते हैं तो कुछ ऐसा व्यू आता है। बच्चे गिरते जा रहे हैं भाई, गिर गिर के सीख रहे हैं यार। ये तो मेरे को देखने में डर लग रहा है, ये कर भी रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्या रतीश ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट्स में जरूर बताना। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं इधर ही हमारे पास में एक जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। मेरा आज का पूरे दिन ऐसे ही निकल गया बिकॉज कुछ डेटा पड़ा था मोबाइल में और उसको एडजस्ट करना था, कुछ ब्लॉग्स पड़े थे जिनको एडिट करने थे, तो वो सब काम आज पूरा ख़त्म कर लिया है, कुछ स्पेस रिलीज किया है और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए बाहर की साइड में। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेता हूँ। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज जहाँ हम जाने वाले हैं उस जगह का नाम बाहर जाके मेरे ब्रदर से पूछ के आपको बताता हूँ, क्योंकि वो भाई यहाँ पे रहते हैं और यहीं के आसपास का एरिया है तो उनको पता है। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, पीजी से निकलने के बाद में आप लोगों को पूरी डिटेल देता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी अच्छा लगे लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। जो लोग चैनल पर नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और भाई को सपोर्ट कर लो। भाई कल बंटी चाचू पे जाते जाते यही चीज़ बोल के गए थे, अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा वो ब्लॉग देख लो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे दूंगा। तो सपोर्ट कर लो भाई को, आपको कुछ नहीं जाएगा, भाई आपके लिए ब्लॉग बनाता है। और फिलहाल चलते हैं मार्केट, नहीं जहाँ हमें जाना है, भाई मार्केट भी याद आ रहा है, फिलहाल चलते हैं जहाँ हमें घूमने के लिए जाना है, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं जो है जा रहा हूँ जवाहर सर्किल ऑफ जयपुर। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जवाहर सर्किल जयपुर में क्या देखने के लिए है, तो वहाँ पे कुछ भी देखने के लिए है तो वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन सर्किल देखने के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ विजिटिंग ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे अपन विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ और घूम फिर के फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ, NWR पे। NWR जो है वो लास्ट वीडियो में बताया था, उससे लास्ट वीडियो में बताया था और फिर से आज मैं इधर ही आ गया। तो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वही है NWR की बिल्डिंग, उसके बगल में से निकल रहा हूँ मैं और जा रहा हूँ फिलहाल तो जवाहर सर्किल की ओर। तो वहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ तो घूमने लायक मिल ही जाएगा, अपने अच्छा कंटेंट भी बनाने की कोशिश करूँगा और दो तीन सीन्स ले लेंगे। घर पे बैठा बैठा पूरे दिन बोर हो गया था पीजी में, रूम में पूरे दिन, मतलब ऐसा ना मोबाइल में पूरा वो सेटलमेंट करने में लगा हुआ था मैं एडिटिंग की, कि किसको कहाँ जोड़ना है, किसको कहाँ जोड़ना है, कौन सी फाइल कट करनी है, कौन सी फाइल यूज़ करनी है, और बहुत सारा स्पेस भी रिलीज़ किया है। अप्रोक्स 100 GB मैंने रिलीज़ कर दिया भाई आज। तो फिलहाल थोड़ा बोरियत महसूस हो रही थी तो मैंने सोचा कि आसपास की कुछ जगह पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जयपुर मेरा ज़्यादा रुकने का प्लान बन रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे वापस नागौर जाना पड़ेगा मेरे किसी काम के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू आ रहा है। हाँ, तो गाइज़ उसके बाद मैं जो है ये सोच रहा हूँ कि मैं परमानेंट कुछ दिन तक यहीं पर हो जाऊँ और यहाँ पर अच्छे व्लॉग्स करेंगे और अच्छा अपना कंटेंट भी बन जाएगा और मेरी जो है स्टडी भी हो जाएगी। तो फिलहाल उसके लिए तो मुझे एक बार गाँव जाना पड़ेगा नागौर। तो वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को यहाँ का जो है व्यू दिखाता हूँ मैं। सामने का व्यू देखो गाइस, और व्यू के जस्ट नीचे की जो बिल्डिंग दिख रही है वो वही हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं कल आया था, EHCC। उससे पहले द ललित होटल आएगा, उससे पहले ये मॉल है जो मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। और फिलहाल हम आगे की ओर जा रहे हैं जवाहर सर्किल की ओर। तो गाइस ये वही होटल आ गई द ललित, जिसपे क्रिकेटर्स वगैरह रुकते हैं, आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। Now I am crossing EHCC Hospital, the Eternal Hospital. यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे की ओर, थोड़ा ही आगे जाएंगे जवाहर सर्किल आ जाएगा, वहीं पे हमें जाना है। माई डियर व्यूवर्स, आप जो सामने सर्किल देख रहे हैं वही है जवाहर सर्किल, और उसके अगल बगल में कुछ घूमने की जगह मुझे सुनने में आई थी, तो देख लेंगे वहाँ पे क्या कुछ है घूमने का। वैसे तो जयपुर में घूमने की बहुत सारी प्लेसेस हैं, अलग अलग जगह हैं, हवा महल हो गया और फोर्ट हो गए यहाँ के, आमेर वगैरह बहुत सारे हैं, बट यहाँ के मेरे नज़दीक में घूमने की जगह मुझे यही दिखी थी और जिन किसी से भी पूछा उन्होंने यही बताई थी। तो यहाँ जाके देख लेंगे कि क्या कुछ है देखने को, आप लोगों को भी वीडियो में पता लग जाएगा और मैं भी थोड़ा विजिट कर लूँगा। कल जो है हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, इसके उस साइड में है जो कुछ भी है देखने का। बढ़िया रही भाई, चलो 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 चलो। तो यहाँ लोग देख लो भाई वॉकिंग वगैरह के लिए आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रश है, लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए अच्छी जगह है। काफ़ी ज़्यादा रश इट मीन्स कि मतलब ऐसी जगह पे ज़्यादातर जो है गाड़ियाँ चलती है, बट ये ट्रैक जो है घूमने के लिए बनाया हुआ है और इसके बगल में एक छोटा सा पार्क है, तो पार्क के आसपास के लोग भी इधर जा रहे हैं। भाई
चलते चलते एक पंगा कर लिया, मास्क तोड़ लिया भाई मैंने, पता नहीं कैसे टूट गया, ये खिंच गया या कुछ भी हुआ होगा इसके साथ। फिलहाल ऐसी कुछ जगह पे आ गया हूँ मैं, और कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है, साथ में एक पार्क है और आगे की ओर बहुत बड़ा सारा कुछ हवेली टाइप में है, वहाँ जाके देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो मेन जो देखने लायक चीज़ है वो वही है भाई। फिलहाल मैं जो है आ गया हूँ यहाँ पे, जिस जगह पे मुझे आना था, और बेसिकली अगर मैं बताऊँ कि ये बहुत बड़ी जगह है और देखने लायक जगह है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं जिस सर्किल से निकला था जब हम जयपुर आए थे, तब इधर से ही हम लोगों ने क्रॉस किया था, बट ये जो है उसके थोड़ी बैक साइड में आती है, बट हाँ बहुत ज़्यादा एपिक चीज़ है। With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. तो अभी मेरा विचार है इसके अंदर जाने का और अंदर से विजिट करने का। यहाँ ज्यादातर जो आर्ट्स बनाई गई है वो है, एक आदमी खड़ा है उसके साथ में घोड़ा वाला है लगाम के साथ में, और उधर हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है आदमी। इट मीन्स ये पहले के जो लोग थे और पहले के जो राजा महाराजा थे, उस तरह से कुछ होगा। तो फिलहाल चलते हैं इसके अंदर की साइड। अंदर कुछ ऐसी आर्ट है भाई जो आप लोग देख सकते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अगर थोड़ा डे लाइट में आता तो और ज़्यादा अच्छा कवर कर सकता था। और यहाँ से भाई अल्टीमेट व्यू बच्चों के लिए, देखो बच्चे कैसे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं एंड ऑल। और जो सेम आर्ट आगे से पीछे से दोनों साइड से सेम ही है, जो गेट है इसका, और दोनों साइड से कुछ ऐसा व्यू आता है एलिफेंट के, और वही सेम आर्ट जो है वो इधर भी बनाई गई है। तो भाई साहब यहाँ से रोड का व्यू देखिए, मतलब गाड़ियाँ आती जाती बिल्कुल रोड के बीच में ही सेंटर पॉइंट में, और गाड़ियाँ आती जाती कैसे लग रही है भाई, मुझे देखने में और ज़्यादा अच्छी लग रही है। कैमरे में इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, किसी भी कैमरे में नहीं होता है, तो मतलब जो व्यू आ रहा है ना गाइस, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस चीज़ को। फ्रेंड्स मैं घूमते फिरते इस गेट के पास में आ गया हूँ, और कितनी ज़्यादा सुंदर आर्ट कर रखी है। ये पहले के ज़माने के गेट है भाई, जो ऐसे हुआ करते थे राजा महाराजों के घर के, और जो किले के गेट होते थे वो भी ऐसे ही होते थे, जो फोर्ट के गेट्स होते थे। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऊपर ताला लगता है भाई देखो, अब वालों के तो सीधा ऐसे करो और सीधा लगा दो, उसके ऊपर ताला लगता है। थोड़ा आगे विजिट करते हैं। तो यहाँ जो है बच्चे अपनी मस्त स्केटिंग कर रहे हैं भाई, चल चल के कर रहे हैं। तो ओ भाई बीच में कोच साहब भी हैं जो इनको सिखा रहे हैं। गुड 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 ब्रो गुड, स्पीड बनाते हैं चल चल के। क्या भाई बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, उठो 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 उठो, गुड 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 गुड, चलो चलो चलो, गुड वेरी गुड, चलो
अभी जो है वो बच्ची गिर गई थी और एक पीछे वाला आने वाला उसके ऊपर गिर गया भाई, बट ठीक है दोनों सेफ है, बच गए और फिर से अपने काम में लग गए। ऐसे गिरते पड़ते सीख जाएंगे भाई ये लोग। तो ये जो व्यू है अंदर का व्यू है, बिल्कुल इस गेट के इनसाइड जब हम लोग आते हैं तो कुछ ऐसा व्यू आता है। बच्चे गिरते जा रहे हैं भाई, गिर गिर के सीख रहे हैं यार ये तो, मेरे को देखने में डर लग रहा है, ये कर भी रहे हैं। एक चीज नोट करो गाइस, मतलब इस किले पे कबूतर देखो कितने सारे हैं, किले नहीं है, एक किले के जैसा एक गेट है, तो इसको किले मेरे मुंह से निकल गया। तो ये जो गेट है पत्री का गेट, इसके ऊपर कबूतर देखो कितने आ रहे हैं भाई, काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप। और मेरे बैक साइड का व्यू और भी ज़्यादा अल्टीमेट है, आप अब देखें और पूरा व्यू मैं आपको सिनेमेटिक सीन्स के थ्रू दिखाता हूँ। तो यहाँ शायद इन बच्चों की रेस होने वाली है भाई, अभी ये कोच सर जो हैं वो इनको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं यार यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं इसी टाइम पे। मैंने तो मेरे टाइम पे कुछ नहीं किया भाई, सीधा बोल रहा हूँ, मैं आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो कभी डे लाइट में आएंगे फिर ये पूरा कवर करेंगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी फ़िलहाल तो रात होने वाली है, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आते आते। भाई मैंने बोला ही था इनकी रेस होने वाली है, वो देखो सबसे आगे चल रही है ये बच्ची। वाओ कोच सर जो है बहुत जोर जोर से बोल बोल के इनको मोटिवेट कर रहे हैं। वाओ यार फ्रेंड्स, ये जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये पत्रिका गेट के अंदर है और यहाँ देख लो क्या कुछ लिखा गया है। तो ये जो पत्रिका गेट है इसका जो लोकार्पण है वो हुआ था अपने ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और नीचे जो है विशिष्ट अतिथि श्री अशोक गहलोत जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये इस सब के नाम है। तो मैं जो है इस लाइट्स की बात कर रहा था, जो कार वगैरह आ रही है ना, जितने भी जो ट्रैफिक रन कर रहा है उसका व्यू बहुत ज़्यादा मस्त आ रहा है यहाँ से। थोड़ा टाइम लैप्स लेते हैं इधर। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही होगी, चमकने दो, मुझे वीडियो शूट करना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस हमारे पीजी की तरफ, और कल का जो प्लान है मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है ऐसे व्यू को देख के, ऐसे बच्चों को देख के, लेकिन मैं यहाँ नहीं आने वाला, मैं कल जा रहा हूँ किसी और जगह पर। तो आप लोग को कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा जो इससे नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ वापस हमारे पीजी की तरफ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है यहाँ तक देखा है, कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।